जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कता। ठीक है, कता, इसको खांजी में अगर लिखें तो ऐसे लिखा जाता है और इसका मतलब है करने का तरीका। ठीक है, करने, कोई भी काम करने का तरीका, वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, इसी खांजी मुझे क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि कता जो है वो एक और वर्ड भी है और इस कता का मतलब है शोल्डर कता। ठीक है, तो जब कता जब इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है शोल्डर, और कता जब इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है तरीका, कोई भी काम करने का तरीका। इसका फॉर्मूला क्या है कि इससे पहले वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके और ये कता लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे, मुझे खांजी लिखने का तरीका मालूम नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वतशी वा खांजी के लिखने का तरीका, खाकी, काकू की मस फॉर्म क्या है, काकी मस, तो हमने काकी लिखा और मस ड्रॉप कर दी, काकू की खांजी है, काकी और कता लगा दिया। वतशी वा खांजी नो खाकी कता गा वा खारी मासेन। ठीक है, वखारी मासेन या वखारा नाई, वतशी वा खांजी नो खाकी कता गा वखारी मासेन, मुझे खांजी के लिखने का तरीका मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, खांजी लिखने का तरीका मुश्किल है, क्या हो जाएगा, खांजी नो खाकी कता गा मुजुकाशी दिस। ठीक है, मुझे लिखने का तरीका सिखा दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, वतशी नी खाकी कता ओ ओशिए से कुदासाई, वतशी नी, चलिए जापानी लिखने का तरीका बता दीजिए, वतशी नी निहोंगो नो खाकी कता ओ, यहाँ पे ओ लगा दें क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे सिखा दीजिए क्या चीज, जापानी लिखने का तरीका, खाकी, सॉरी, खाकी कता ओ ओशिए से कुदासाई। ठीक है, वतशी नी निहोंगो नो खाकी कता ओ ओशिए से कुदासाई, उसका बात करने का तरीका बड़ा ऑकवर्ड है। ठीक है, करे नो हनाशी कता, करे नो हनाशी कता गा ओकाशी दिस, करे नो हानाशी कता गा ओकाशी दिस, उसका मुस्कुराने का तरीका बड़ा दिलचस्प है, कनोजो कर लेते हैं, कनोजो नो, मुस्कुराने को कहते हैं हो हो एमू, और हो हो एमू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, हो हो एमी मस, तो मस ड्रॉप कर देंगे, हो हो एमी कता गा तोतेमो ओमोशिरोइदिस। करो जो नो होहो एनी कतागा तोतेमो ओमोशिरोइदिस। ठीक है, अच्छा जी, अखबार पढ़ने का तरीका, चाइनीज लैंग्वेज के अखबार पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। चाइनीज लैंग्वेज क्या कहते हैं,
चाइना को कहते हैं चू गोकू, इसकी मैं यहाँ पे हिरागाना भी लिख देता हूँ, चू गोकू का मतलब है चाइना, और आगे आगे गो चू गोकू गो नो शिंबुन नो योमी कथा, योमू से योमी मस और योमी मस में से मस ड्रॉप किया, योमी कथा चू गोकू नो शिंबुन नो योमी कथा का डिफरेंट है चिगाई मस, चिगाई मस डिफरेंट है चू गोकू गो नो शिंबुन नो योमी कथा का चिगाई मस, चाइनीज लैंग्वेज के अखबार पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली कथा को आपने वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके उसके बाद आपने कथा लगा देना है, ये काम करने का तरीका, ठीक है। तो ये एक छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं N4 में जो आपने कर लेने, ये मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 8-10 जुमले बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा, और बस रिपीटिशन करना है आपने, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अब आपने N5 पढ़ा है और अब N4 की ग्रामर चल रही है, तो मजीद आपको जो है वो वोकेबलरी और ग्रामर वो एक्यूमुलेट होती जा रही है, तो आपका बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछला नहीं टच करेंगे, इसको टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, तो क्या होगा, आगे चलते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे, तो आपने पूरा वो रिविजन जो है वो मुस्तकिल करते रहना है, और ये टॉपिक्स जो है छोटे छोटे आते रहेंगे नए, वो आप सीखते रहेंगे, लेकिन पिछले को हमेशा रिवाइज करते रहें, लिसनिंग करते रहें, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप लिसनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो लिसनिंग करते रहें, मेहनत कीजिए, मेरे हक में दुआ कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अलीगतो गुदाई माशाल्लाह।